नमस्कार साथियों, आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका प्रतिलेखन संख्या 5, 6 और 7 स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, हमारे संसार का सबसे महत्वपूर्ण द्रव पानी, वर्षा, झरने, तालाबों, नदियों, कुओं आदि से मिलता है। शायद यह बात सच है कि आज के युग में पानी की आवश्यकता उतनी ही है जितनी आवश्यकता पाषाण युग में रही होगी। यद्यपि पृथ्वी पर इसकी पूर्ति सदा होती रहती है, फिर भी कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहां पानी की कमी रहती है। आज बढ़ती जनसंख्या और उसके साथ साथ औद्योगिक प्रगति के युग में पानी की मांग बढ़ती जा रही है। लगता है घरों और कल कारखानों में पानी पर राशन करना पड़ेगा। इसे रोकने के लिए कोई ऐसा तरीका निकालना होगा जिससे समुद्र से पर्याप्त शुद्ध जल मिल सके। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि जल का संरक्षण किया जाए। पैराग्राफ। देश में इसी जल संरक्षण के निरंतर प्रयत्न चल रहे हैं। नई दिल्ली में अप्रैल 1998 में राष्ट्रीय जल संसाधन समारोह आयोजित किया गया। फिर संपूर्ण देश के 1000 स्थानों में इस प्रकार के समारोह आयोजित किए गए। पर्यावरण के जल के महत्व को देखते हुए इस बार का मुख्य विषय जल तथा पर्यावरण रखा गया है। सरकार ने यह माना है कि जल संसाधन सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संपदा है तथा यहाँ यही राष्ट्रीय आर्थिक संपदा तथा स्थायित्व की कुंजी है। पानी हर समय एक सा नहीं मिलता, इसलिए इसके नियोजन, विकास, संरक्षण तथा उपयोग की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। कृषि में पीने के लिए, उद्योगों आदि में पानी की आवश्यकता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। स्वतंत्रता के बाद पंचवर्षीय योजनाओं में जल की व्यवस्था करने के प्रयास किए गए हैं, लेकिन जल के उपयोगों, फार्म प्रबंधन, जल संरक्षण, जल की किस्म तथा प्रयुक्त जल के निपटान और पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। मालूम होता है कि जल समस्याओं के प्रति जागरूकता का अभाव है। जल संसाधन मंत्रालय का कहना है कि हर वर्ष लोगों में यही जागरूकता लाने के प्रयत्न किए जाते हैं। नई सार्वजनिक समारोह के अलावा केंद्रीय जल आयोग के नई दिल्ली स्थित मुख्यालय में एक समारोह आयोजित किया जाता है। इस आयोग की स्थापना 1 अप्रैल 1945 में की गई थी। नई दिल्ली समारोह में जल संसाधन मंत्री ने जल संसाधन विकास तथा पर्यावरण प्रबंध की आवश्यकता पर बल दिया है। इसमें सफलता प्राप्त करने के लिए हमें वन रोपण, मानस आवास, उद्योगों आदि में समन्वय स्थापित करना होगा। पैराग्राफ। महोदय, 40 से 45 वर्ष तक देश में असाधारण जल संसाधन विकास का समय रहा। विकास तथा आर्थिक प्रगति के लिए पन बिजली उपलब्ध कराई गई। वर्ष 1950-51 में सिंचाई क्षमता केवल 2,30,00,000 हेक्टेयर थी, जो तिगुनी होकर 7.5 करोड़ हेक्टेयर हो गई। खाद्यान्न उत्पादन 5 करोड़ टन से 18 करोड़ टन हो गया। जल संसाधनों के विकास तथा आयोजन के लिए
1987 में जल नीति निर्धारित की गई। इसमें पीने के पानी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। इसमें लेकिन सबसे कठिन काम सूखा और बाढ़ के समय जल प्रबंधन है। केंद्रीय जल आयोग ने बाढ़ चेतावनी के लिए देश में एक नेटवर्क स्थापित किया है, जिससे जान माल की सुरक्षा हो सके। पैराग्राफ। जल संसाधन मंत्री ने ऊर्जा की आवश्यकता पर भी बल दिया है। यह ऊर्जा पर्यावरण संरक्षण रखते हुए मिलनी चाहिए और इसके लिए हमेशा उपयोग में आने वाली ऊर्जा है, जिसे हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत कहते हैं। घरेलू तथा औद्योगिक कार्यों में जितनी ऊर्जा लगती है, उसका आधा भाग ईंधन की लकड़ी से आता है। इसके कारण वन काटे जा रहे हैं, जिससे ऊपर की मिट्टी वे भूमि का क्षरण हो रहा है। उन्होंने जल की किस्म को बहुत महत्वपूर्ण बताया और जल संरक्षण को अत्यधिक उपयोगी और अनिवार्य बताया। विशेषतः आज के औद्योगिक युग में झीलों तथा नदियों का जल साफ रहना चाहिए। केंद्रीय जल आयोग ने निरीक्षण कार्य अपने हाथों में लिया है और सारे देश में इसके 270 केंद्र स्थापित किए हैं। इनसे प्राप्त सूचनाएं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल, पर्यावरण तथा वन मंत्रालय और स्थानीय निकायों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो रही है। इस समय सबसे अधिक आवश्यकता कचरा निपटाने के उद्देश्य से सस्ती तकनीकों पर अनुसंधान और विकास की है। यदि हम सारे कचरे के पुनः चक्र में सफल हो जाते हैं, तो नदियों में कचरा बहने से रोका जा सकता है। पिछले कुछ दशकों में देश में एक और महत्वपूर्ण कार्य जल संबंधित पर्यावरण कानून बनाने का प्रयास हुआ है। 1986 का पर्यावरण कानून जल, भूमि, वायुमंडल आदि के सभी पर्यावरण पहलुओं पर लागू होता है। इस कानून में जो कमियां हैं, उन्हें दूर किया जा रहा है, जिससे राज्यों को इसके लागू करने के लिए और अधिकार मिल सके। पैराग्राफ। उपाध्यक्ष महोदय, यहाँ मैं इस बात पर जोर देना चाहूँगा कि हमें वे क्षेत्र चुनने चाहिए जिनसे हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज़्यादा प्रभावी हो सकते हैं, पर यह चयन बहुत सावधानी से करना होगा। हम कुछ किस्मों की प्रौद्योगिकी का आयात कर सकते हैं ताकि उन्हें और विकसित कर सके, पर हम बार बार आयात नहीं कर सकते। यह बात महत्वपूर्ण है। औद्योगिक विकास और विदेश व्यापार में बाधा पहुंचाने वाली बहुत सी बातों को हमने हटा दिया है। इस कारण से अब भारतीय उद्योगों को देश विदेश से ज़्यादा प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। कुछ क्षेत्रों को छोड़ दे तो प्रौद्योगिकी के चुनाव जैसे विषयों पर निर्णय अब मुख्यतः उद्योगों द्वारा ही लिए जाते हैं। पुराने अनुभवों की वजह से इस बारे में चिंता होती है कि क्या उद्योग प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक आयात करेंगे। अगर हम आयातित प्रौद्योगिकी में लगातार
और बड़े पैमाने पर घरेलू प्रौद्योगिकी को शामिल करना नहीं सीखते और अपनी घरेलू प्रतिभा और संसाधनों के आधार पर बड़े पैमाने पर अपनी ही प्रौद्योगिकी तैयार नहीं करते तो हम पीछे रह जाएंगे। अगर आप देश में ही नया कुछ नहीं करते, अगर आपके पास कोई अनुसंधान और विकास कार्यक्रम नहीं है, अगर आपके पास अपनी प्रौद्योगिकी नहीं है, कोई आवश्यक नहीं है नहीं कि प्रौद्योगिकी 100% आपकी अपनी हो, पर ऐसी हो जिसको आपने सुधारा हो और जिसका भारतीयकरण किया हो, तो आप प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पीछे छूट जाएंगे। आप केवल दूसरों की नकल करते रहेंगे, दूसरों से आयात करते रहेंगे और फिर भी पीछे रहेंगे। ऐसा ही होगा अगर हम अनुसंधान और विकास के आधार पर अपनी सीमाओं में अपने ही बल पर विस्तार नहीं करते। अगर पैसों की आवश्यकता है, संसाधनों की आवश्यकता है, तो सबसे पहले इसी क्षेत्र को है। पैराग्राफ, मैं इस प्रश्न को थोड़े दूसरे रूप में रखना चाहूँगा। उद्योगों के क्षेत्र में अधिकाधिक प्रौद्योगिकी करने के मुद्दे को हमें अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा और विदेशी मुद्रा की कमी के संदर्भ में देखना होगा। व्यापार असंतुलन को दूर करना अपने आप में महत्वपूर्ण है, पर इसी को लक्ष्य बना लेना पर्याप्त नहीं है। भुगतान असंतुलन की हमारी समस्या तभी दूर होगी जब हम प्रौद्योगिकी का शुद्ध निर्यात करना शुरू कर देंगे, और यह मैं भारतीय वैज्ञानिक समुदाय के सामने एक चुनौती के रूप में रख रहा हूँ। संपूर्ण विराम।